आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा से, जिन्होंने मेरे को कहा था कि हम उल्टी बात करेंगे। कहा था ना टेढ़ी बात करेंगे। तो आपने सवाल पूछे नहीं मेरे से। अरे क्या सवाल पूछे सर मैं? क्यों? अच्छा आप बताइए, आप अभी हेड जर्नलिस्ट हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट के, जो एक बहुत रिस्पेक्टेड कंपनी है। अब आप मुझे बताइए, जब आप यहां तक पहुंचे आपको कितनी मुश्किलें हुई और आपको कितने कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े? मेरे को जर्नलिज्म में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, हमसे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मतलब असूलों से कोई कॉम्प्रोमाइज आज तक नहीं किया जिंदगी से, मतलब चीजों से। देखो जैसे आप हर जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज होता है, कॉम्प्रोमाइज जर्नलिस्ट के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो स्टेज पर नहीं पहुंचा जैसे आप स्टेज पर पहुंची है। तो कॉम्प्रोमाइज तो अपनी हिम्मत से लड़ना है, अपनी हिम्मत से काम करना है। परंतु मेरे को एक बात बताइए, जब आप फिल्म इतनी सक्सेसफुल आपने द्रोणा की और इसके बाद फैशन की दोस्ताना की आपने, उसके बाद आपको लगा कि हर फिल्म के लिए जब रोल करती हैं आप तो स्क्रिप्ट पहले पढ़ती हैं? जी ऑफ कोर्स। तो किस तरह की फिल्म आपको लगता है कि आपके हर किस्म के रोल करने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, मैं हर किस्म के पार्ट्स करना चाहती हूं, लेकिन मैं फिल्में वही लेती हूं जो अगर बनती तो मुझे देखने का शौक होता। और मेरे लिए मेरी हर फिल्म मुगले आजम रही है, मेरी हर फिल्म क्लासिक रही है, क्योंकि जब मैं वो फिल्म करती हूं ना, जब मैं सेट पर जाती हूँ मुझे लगता है कि आप हर फिल्म में अपने आप को मधुबाला मेरी हर फिल्म मेरे लिए क्लासिक है, कि चाहे वो चले ना चले, हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है। एक एक्टर बहुत छोटा हिस्सा होता है एक फिल्म का, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी हर फिल्म मेरे लिए इतनी जरूरी रही है। अब वो जब नहीं चलती तो दिल बहुत जोर से टूटता है मेरा। तो पर आप अपनी तरफ से मेहनत पूरी करते हैं फिल्म, लेकिन तभी भी जब फिल्म नहीं चलती तो मतलब आप कितनी मेहनत करेंगे एक शो को सक्सेसफुल करने के लिए, लेकिन टीआरपी जीरो होगी तो दिल तो दुखेगा ना। नहीं, टीआरपी जीरो तो जब आप फिल्म करती हैं, मेरे को लगती है सक्सेसफुल फिल्म बनाने के लिए क्या क्या लगता है होना चाहिए? आई थिंक फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपके कैरेक्टर के तरफ 100% ऑनेस्टी होनी चाहिए। जब आप सोनिया या नेहा या जो भी प्रिया जो भी कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो लोगों को नहीं लगना चाहिए कि आप प्रियंका चोपड़ा हैं, उनको लगना चाहिए कि आप वो किरदार हैं। वो बहुत जरूरी है। एंड बाकी सारी चीजें जो जरूरी हैं वो रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए पिक्चर में। आप भी ऑडियंस हैं, मैं भी ऑडियंस हूं, हमें भी फिल्में देखने का शौक है। तो जब मैं फिल्म देखने जाती हूं, मुझे एक क्रिस्प और डिफरेंट कहानी देखने का मन करता है आजकल, कि मैं जब फिल्म देखने जाऊं कुछ एंटरटेनिंग हो, स्लो ना हो, कुछ अलग हो, तो मैं वैसी फिल्में पिक करती हूं। कि एक क्या होता है, केमिस्ट्री भी कई बार फिल्म के अंदर होती है, हीरो और हीरोइन की बनती है उसके अंदर, उसकी वजह से कई चीजें आई थिंक वो सब भी जिस तरह किरदार लिखे जाते हैं ना, वो बहुत जरूरी होता है। अगर कैरेक्टर्स अच्छे से नहीं लिखे गए हो, कहानी अच्छी, हर फिल्म की बैकबोन स्पाइन उसकी कहानी है, स्क्रीन प्ले है, जिस तरह किरदारों को लिखा गया है तभी तो एक्टर उसमें जिंदगी फूंक पाएंगे। जब किसी किरदार को टूटा जाता है वो एक स्क्रिप्ट होती है जिनको मिलाकर, मैं देखा कि केमिस्ट्री दोनों में अगर अच्छी बनती है फिल्म वो भी सक्सेसफुल काफी हो जाती है। अब तो फिल्में ऐसी हैं जिसके अंदर लोगों का कहना चाहिए कि मेल डोमिनेटेड फिल्म ज्यादा है, पर पिछले कुछ एक साल से लगता है कि फीमेल भी कैन कैरी द फिल्म। जी, इसका कारण क्या है? पहले तो लगता था कि शाहरुख खान जिस फिल्म में होगा सक्सेसफुल, आमिर खान जिस फिल्म में होगा सक्सेसफुल, या अक्षय कुमार जिस फिल्म में होंगे सक्सेसफुल, अब लगता है प्रियंका चोपड़ा होगी तो भी सक्सेसफुल हो जाएगी। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, आई थिंक इस देश में आ रहा है, इस दुनिया में आ रहा है। एक छोटी सी बात जो आपको पहले इरेलीवेंट लगती थी, उसको आज हम बड़ी बात बना सकते हैं। जिस तरह की फिल्में आजकल चल रही हैं वो नेसेसरीली कन्वेंशनल कमर्शियल पिक्चरें नहीं है। फिल्में जिनकी कहानियां इंटरेस्टिंग है, फिल्में जिसके किरदार इंटरेस्टिंग है, वो चल रहे हैं आजकल। एंड आई थिंक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, मैं भी बहुत डरी थी जब मैंने फैशन किया था, क्योंकि मेन लीड कैरेक्टर फैशन का एक लड़की थी, सपोर्टिंग कास्ट लड़कियां थी, और लोग पसंद करेंगे फिल्म को, बहुत डर था कि लोग कहते हैं कि फीमेल ओरिएंटेड फिल्में नहीं चलती, लेकिन पिक्चर ने बहुत बड़ी इनिशियल भी ली और आई मेड अ लॉट ऑफ मनी, इट वाज सक्सेसफुल, क्रिटिकली अक्लेम्ड। तो दैट जस्ट गोज टू शो कि ऑडियंस कुछ नया एक्सपेरिमेंटल देखने के लिए तैयार है, एंड वैसी फिल्में आजकल बन रही हैं। जिस एक्टर के साथ शुरू किया आपने, जिसके काफी फिल्में अच्छी हुई, अक्षय कुमार, उसके साथ फिल्म कोई नहीं आ रही आपकी, तो कोई पर्सनल रीजन है? मैं ज्यादा मेरा तो कोई रीजन नहीं अभी तक, हर किस्म की बात है। आपने कहा कि मीडिया को ब्लेम किया लोगों के लिए कि मीडिया एग्जैजरेट कर देते कुछ चीजें, पर होता है कई बार कि एक इमेज बन जाती कि ये अक्षय और प्रियंका एक अच्छा रोल बन गई, इस तरह से आपका भी एक नाम था, तो उसका क्या कारण है, क्यों? अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है जिनमें मैं अक्षय को बहुत एडमायर करती हूँ। मेरी पहली कुछ फिल्में मैंने उनके साथ की, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, हसमुख भी
लेकिन एज अ यंग बडिंग एक्टर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत क्रेडिट भी देती हूँ कि आज मैं जहाँ हूँ जिस तरह हूँ काफी कुछ उनकी वजह से हूँ. और लेकिन काम क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी तक ऐसी कोई फिल्म नहीं आई है जहां पे मुझे लगे कि यू नो ये फिल्म करनी चाहिए. मैं अपनी फिल्में बेस्ड ऑन को एक्टर्स कभी नहीं करती. अगर कोई आपको ऑफर करे कि इनके साथ करना है, व्हाई नॉट. अभी तक ऐसी इस तरह की ऑफर कोई नहीं आई. क्या आपको कोई परहेज नहीं है उनसे काम करने? क्योंकि आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत चर्चा होती रहती है, लड़कियों के बारे में. मेरी तो हर चीज के साथ रिलेशनशिप, हर इंसान के साथ. सेलिब्रेट हैं तो आपकी हरमन बवेजा क्या? सबके साथ मेरा रिलेशनशिप बन जाता है, बिगड़ जाता है. लेकिन मेरा एक बहुत सिंपल उसूल है कि मैं सेलिब्रिटी जरूर हूं और जो ऑडियंस है मैं एक सोशल पर्सनैलिटी हूं. लोगों को डेफिनेटली हक है कि वो मेरे बारे में जाने. चलिए 90% तक मैं आपको देती हूँ. आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ. लेकिन एज ए ह्यूमन बींग इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं अपने पास रखूँ और वो हिस्सा जो है वो मैं अपने पास रखूँ. ये जो पर्सनल है, अभी तक आप प्रियंका चोपड़ा अभी मिसेज किसी की बनने की तैयार नहीं थी? नहीं प्लीज. करियर पर असर पड़ता है? नहीं, नॉट रियली. आई थिंक इतनी से काजोल है, माधुरी है, कितनी सारी जूही जी, इतनी सारी मैरिड एक्ट्रेसेस हैं जो आजकल काम कर रही हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन. इट्स नॉट अबाउट दैट एनीमोर. आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा चेंज है जो इंडस्ट्री में आया है. लेकिन मेंटली एज अ गर्ल मेंटली प्रिपेयर्ड भी होना चाहिए कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ. या उस तरह का लड़का नहीं मिला आपको? वो भी बहुत दिखाई नहीं दिया. थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन लड़का नहीं मिला. वो भी थोड़ा जरूरी पॉइंट है. वो भी थोड़ा है बस. आई थिंक सबसे जरूरी बात एज अ वर्किंग वुमन, इंडिपेंडेंट वुमन ऑफ टुडे, इज कि आपको मेंटली रेडी होना चाहिए कि देखो अब आई वॉन्ट टू स्विच गियर्स इन माई लाइफ. मैं इस एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना चाहती हूँ जहां पे मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से, कि मैं अपने करियर से, अपने काम से, कि अब मैं यू नो गियर बदल के घर जाऊं. सीधी सवाल, अगर कोई अच्छा लड़का मिला तो शायद प्रियंका चोपड़ा सोचे? इमीडिएटली नहीं, अभी नहीं, इमीडिएटली नहीं. अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो उसको इंतजार करना पड़ेगा. मैं पूछूंगा तो सीधे 5 तीखे सवाल. प्रियंका जी, अगर आप एक्टर नहीं होती तो क्या होती? इंजीनियर होती. किससे? सिविल इंजीनियर? घर बनाती है? एरोनॉटिकल इंजीनियर. प्लेन्स बनाना चाहती थी मैं. पैसेंजर से क्या होता? बहुत कुछ अच्छा होता सर. आप क्या मेरे को क्रेडिट नहीं दे रहे? तो देखिए आप भी स्टीरियोटाइप में घुस गए ना, क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ. एक्ट्रेस ना, लोग आपको देखते हैं. मेरी जहाज भी उतनी अच्छी होती है. अच्छा, अगर आपको आज एक्टर दो एक्टर फीमेल एक्टर की ऑफर हो एक ही फिल्म के लिए, शाहरुख खान अक्षय कुमार, किसको चूज करेंगे आप? शाहरुख खान है somebody I have admired जब से मैं 9 साल की थी. वो मेरे आइडल रह चुके हैं हमेशा. अक्षय somebody जिनके लिटरली कंधों पर चढ़कर मैं आज जहां पहुंची हूं वहां पहुंची हूं. तो एक बहुत मुश्किल सवाल होगा, पिक करना बहुत मुश्किल. जो ड्रीम रोल हो जो आप करना चाहती हैं? अभी तक मुझे वक्त नहीं मिला है कि मैं इतना इम्पोर्टेंस दे सकूं इस प्रोसेस को, क्योंकि जो हर फिल्म मैं करती हूं, मैंने जैसे आपको बताया मेरे लिए मुगले आजम होती है. तो मेरी हर फिल्म मेरे लिए बड़ी अच्छी होती है. अभी मैं विशाल भरद्वाज की कमीने कर रही हूं. और कमीने सर, मैं आपको अब्यूज नहीं कर रही, पिक्चर का टाइटल है. नहीं, वो फिल्म को कह रही है. मेरे फिल्म को इस तरह का भी रोल करती है जिसमें कमीने होते हैं. सारे लोग कमीने हैं उस फिल्म में, तो नाम आसान बना दिया ऑडियंस. तो और वॉट्स योर राशि जो आशुतोष गोवारिकर की फिल्म है, और दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं. फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के कुछ अच्छा प्रोफेशन ऑफर किया था, कौन सा चुने? फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा प्रोफेशन है सर. आप ऐसे में सवाल पूछिए, आप रिफ्रेज कीजिए अपना सवाल. क्या आप बिजनेस वूमन बनेंगे कि जैसे आपकी बाकी बन रही है? कुछ भी बन, शिल्पा शेट्टी बन. मुझे लगता है कि यू नो द वर्ल्ड इज माई स्टेज, और अगर मैं कुछ भी बनना चाहूँ मैं बन सकती. अभी तो आप फिल्म में एक्टिंग कर रही हैं. आपको और अच्छे रोल मिले हमारे स्टूडियो में आए. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.